हेलो एवरीवन, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई हैवियर न्यूक्लियाई हैव मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। तो इसका आंसर अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंसिडर करते हैं जी, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं जी। अब प्रोटॉन के ऊपर हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हर दो कंसेक्यूटिव प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये टेरिटरी बहुत छोटी सी होती है, मीन्स अगर हम रेडियस की बात करें तो एक न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो राउंड अबाउट 10^-15 मीटर के बराबर होता है, जिसको हम 1 फेमटोमीटर भी कहते हैं। अब अनस्टेबिलिटी की वजह से, मीन्स के दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये न्यूक्लियस तो यहाँ पर इस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास इस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अलावा एक और फोर्स होती है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं जी। अब इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्या काम होता है? ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ये हर दो प्रोटॉन के दरमियान होती है, ये हर दो न्यूट्रॉन्स के दरमियान होती है, और ये हर दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी होती है। इसका काम क्या होता है कि इस न्यूक्लियस को, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उन सबको बाउंड करके रखना। अट्रैक्टिव इन नेचर है ना, तो दो प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे इस फोर्स के तहत, दो न्यूट्रॉन्स भी कर रहे होंगे, और दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फोर्स की उतनी ज्यादा हेल्प होगी इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर स्टेबलाइजेशन। दैट इज वाई के जो हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं उनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रेडियम हैज ए हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 1600 ईयर। इफ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड 5 बिलियन और मोर ईयर्स अगो, व्हाई इज देयर एनी रेडियम लेफ्ट नाउ? अगर रेडियम की जो हाफ लाइफ है वो 1600 ईयर्स है, और अर्थ को बने हुए 5 बिलियन और मोर देन 5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, तो अभी तक रेडियम के जो एलिमेंट है वो अभी तक क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, वो खत्म क्यों नहीं हो गया? तो हमारे पास जो रेडियो एक्टिव डीके लॉ है ना जी, अगर हम वो एनालाइज करें, उसको फॉलो करें, तो वो हमारे पास उसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इक्वेशन है, वो कुछ यूं है, एन इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल टू नेगेटिव ऑफ लैम्डा इंटू। अच्छा, अब नेगेटिव का क्या मतलब होता है पावर में, कि हम उसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एन नॉट ई की पावर लैम्डा टी। अब लैम्डा की वैल्यू डीके कांस्टेंट है, ये तो फिक्स रहेगी, टी की वैल्यू हम क्या पुट करें, तो हमारे पास जो आंसर है वो ओवरऑल आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। मीन्स के हमें नंबर ऑफ जो रेडियम न्यूक्लियाई हैं उनको खत्म करना है, तो एन की वैल्यू कब 0 आएगी ये देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एन नॉट ओवर लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी करता हूँ, तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल का जो आंसर है, मीन्स के एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो एन नॉट ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो 1/∞ जब भी होता है उसका आंसर हमारे पास 0 होता है। इट मीन्स के टाइम जब इनफिनाइट होगा तब जाकर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं रेडियम के वो 0 हो जाएंगे। अब 5 बिलियन जो ईयर्स टाइम है ना, वो काउंटेबल टाइम है, वो इनफिनाइट टाइम नहीं है। दैट इज वाई कि अब तक हम जो रेडियम एलिमेंट है उसके जो रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट है हमारे पास, वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी तक टाइम इनफिनाइट नहीं हुआ, टाइम अभी भी काउंटेबल है हमारे पास। ठीक है जी,
तो रेडियो एक्टिव डीके लॉ को ओबे करते हुए हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ वी फोकस आवर अटेंशन ऑन ए स्पेसिफिक न्यूक्लियस इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल, कैन वी नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग दैट न्यूक्लियस विल लिव बिफोर इट डीकेज। तो अगर हम किसी एक न्यूक्लियस को अंडर ऑब्जर्वेशन रख भी लें रेडियो एक्टिव सैंपल के, और फिर हम ये कहना चाहें कि मीन्स आप प्रिडिक्ट करना चाहें कि हमें पता होगा कि ये कितना टाइम पहले सरवाइव करेगा बिफोर डीकेइंग, मीन्स कि किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट होने से पहले, तो ये पॉसिबल नहीं है जी हमारे पास। रेडियो एक्टिविटी जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये प्रिडिक्शंस के साथ हम नहीं बता सकते कि 1 मिनट बाद डीके होगा, 2 मिनट बाद होगा, 1 घंटे बाद होगा, 1 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। फिर सेकेंडली के किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल सैंपल के अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है प्रिडिक्ट करना कि इनमें से कितने न्यूक्लियाई कितने टाइम बाद जो है वो डिके करेंगे, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं ये स्पॉन्टेनियस है, तो ये रैंडम प्रोसेस है। मीन्स पहले एक न्यूक्लियाई कर सकता है, 10 कर सकते हैं कम्बिनेशन में, 20 कर सकते हैं, लेकिन अगेन कोई प्रिडिक्शन नहीं है इस बारे में, और ये भी नहीं बता सकते कि कौन सा न्यूक्लियाई पहले डिके करेगा। ठीक है जी, तो ये स्पॉन्टेनियस है और अनप्रिडिक्टेबल प्रोसेस है, और ये ड्यूरिंग होल लाइफ मीन्स के लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स टिल द एंड ऑफ यूनिवर्स, ये इस पूरे टाइम स्पेन के दरमियान भी हम नहीं बता सकते कि कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कब अपना डीके वाला प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ठीक है जी, तो ये एक रैंडम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई आर न्यूट्रॉन्स सच गुड प्रोजेक्टाइल्स फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर फिशन। तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते हैं जी वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। लेट्स से मैं पहले एक न्यूक्लियस की बाउंड्री बना लेता हूँ जी। हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं जी, ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा मीन्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर कुछ प्रोटॉन्स वगैरह बना लिए। अब इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जी इधर, मीन्स के प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रॉन्स की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ से अगर आपने इस न्यूक्लियस के ऊपर कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट करवाना है जो कि इसके अंदर मजीद अनस्टेबिलिटी क्रिएट करे और इसको ब्रेक करे इन टू पार्ट्स, तो जरूरी है कि वो जो पार्टिकल है वो इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है उसमें से भी अनडिफ्लेक्टेड गुजरे, और ये जो प्रोटॉन्स हैं इनका भी उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो। तो ऐसा चार्ज ऐसा पार्टिकल जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन ही है, बिकॉज न्यूट्रॉन एक जीरो चार्ज पार्टिकल है, तो ये ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्टर्ब होता है ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए ये हमारे पास जो है ये गुड प्रोजेक्टाइल है फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, स्पेसिफिकली न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये सारी जो जस्टिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, वो आप इसको रीड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियड्स टेंड टू डिके बाय बीटा नेगेटिव रेदर देन बीटा पॉजिटिव। तो बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव क्या होते हैं जी? बेसिकली जब हमारे पास एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ठीक है जी, जिसको हम फिर आगे बीटा नेगेटिव पार्टिकल कह रहे होते हैं, और जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो वहां से हमारे पास एक पॉजिट्रॉन जो है वो इमिट होता है जिसको हम बीटा पॉजिटिव पार्टिकल कह रहे होते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि जो न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियड होते हैं उनमें से ये बीटा नेगेटिव इमिशन क्यों होती है, बीटा पॉजिटिव क्यों नहीं होती?
तो इसका आंसर ये है कि न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड में हमें पता है न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक्सिस में होते हैं, मीन्स इनकी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो यहाँ टेंडेंसी ये ज्यादा होती है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो। तो जब कभी इस तरह की कन्वर्जन होगी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो तब हमें हमेशा बीटा नेगेटिव पार्टिकल ही मिलने वाला है। ठीक है जी, दैट्स वाई के ये जो टेंडेंसी होती है ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल की ज्यादा होती है, बिकॉज न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड जो न्यूक्लियर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई आर स्मॉल एंड लार्ज न्यूक्लियाई अनस्टेबल? तो इस क्वेश्चन का आंसर अंडरस्टैंड करने के लिए जी हमें ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दैट इज मास नंबर ये वाला ग्राफ समझना होगा जी। अगर हम इस ग्राफ को केयरफुली स्टडी करें ना जी, तो हमें यहाँ से ये पता लगता है कि ये जो सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं ये वाले, इनको छोड़ के अगर हम ये हैवी न्यूक्लियाई को देखें और ये जो स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं इनको देखें, तो इन सबकी जो एनर्जी है पर मींस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो इनकी कम है, मींस इस वाले ग्रुप की भी और इस वाले ग्रुप की भी, हैवी न्यूक्लियाई की भी और जो स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं उनकी भी इनके कंपैरिजन में। तो ये जो है ये वाले मींस अगर हम आयरन की बात करें विच इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, तो ये इस कैटेगरी में मींस इस रीजन में जितने भी एलिमेंट्स लाए करते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर पर न्यूक्लियन अगर सबसे ज्यादा है मींस बाइंडिंग एनर्जी जितनी हाई है उतनी ज्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी। ठीक है जी, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है न्यूक्लियस को, लेकिन जितना आप देखेंगे ग्राफ फॉल कर रहा है यहाँ पर, जितना आप हैवी न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जितना आप नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ाते जाएंगे तब भी जो है अनस्टेबिलिटी आएगी, और जितना आप कम करते जाएंगे इस मिडल लाइन से, इस एक जो हमारे पास काइंड ऑफ मार्जिन लाइन बनी हुई है जो आयरन है एलिमेंट और इसके आसपास जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, इनसे हम जितना दूर जाएंगे मीन्स टुवर्ड्स लोअर स्ट्रीम और टुवर्ड्स दी हायर स्ट्रीम हमारे पास अनस्टेबिलिटी आती जाएगी, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी रीजन है कि स्मॉलर न्यूक्लियाई और हैवी न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज ए कन्वेंशनल फिशन न्यूक्लियर रिएक्टर नॉट एबल टू एक्सप्लोड एज ए बॉम्ब? तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है जी वो एक कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, उसके अंदर मींस के हम जो वहां पर फिशन रिएक्शन करवा रहे होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जो न्यूट्रॉन्स वहां से इमिट हो रहे होते हैं उनको न्यूक्लियर रिएक्टर में तो हम लाइक कंट्रोल रॉड्स जो बोरॉन हो गया कैडमियम हो गया इनसे कंट्रोल कर सकते हैं, मींस ये जो रॉड्स हैं ये उन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक कंट्रोल्ड वे में हम रिएक्शन प्रोसीड कर रहे होते हैं। मगर इन केस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, उसमें ऐसे नहीं होता, उसमें जो एक्सप्लोजन होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, मीन्स जितने भी न्यूट्रॉन्स अगर 3 न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियाई के डिके होने से इमिट हो रहे हैं तो वो तीनों के तीनों आगे जाके फिर 3 और को एक्साइट करवाएंगे, और इस तरह से ये एक चेन रिएक्शन बढ़ता जाएगा विच इज नॉट कंट्रोलेबल। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसा नहीं होता, वो कंट्रोलेबल होता है, और जो हमारे पास नंबर ऑफ फिशन रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्टर में होते हैं ये इतनी हाई अमाउंट में हम नहीं क्रिएट करते, ये भी लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। दैट इज वाई के जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द फ्यूल
ऑफ द लाइट न्यूक्लियाई इनटू हैवियर न्यूक्लियाई रिलीज एनर्जी। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिंपल सी इक्वेशन लिखते हैं जी, जो कि हमने पहले से पढ़ी हुई है, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम। लेट्स से हमारे पास जी दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, जिनके मिलने से हमें एक हीलियम न्यूक्लियाई मिलता है, जिनकी कॉम्बिनेशन से हमें एक हीलियम न्यूक्लियाई मिल रहा है जी, 2, 4, और साथ में हमें कुछ एनर्जी मिल रही है, उसका नंबर है जी 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये एनर्जी हमें मिली कहाँ से वो देख लेते हैं। अब देखें, दो आइसोटोप्स मिल रहे हैं तो एक हमारे पास न्यूक्लियस बन रहा है नया, तो होना तो ये चाहिए कि जितना इसका मास है, जितना इस न्यूक्लियस का मास है, दोनों ऐड हो तो हमें टोटल ये वाला मास मिल जाना चाहिए। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर M1 + M2 के बराबर इसका मास मिलना चाहिए, ये जो हमें नया न्यूक्लियस मिला है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में जो इस हीलियम का जितना मास है ना, वो इन दोनों के मास के सम से कम होता है। मीन्स कि इन दोनों की फॉर्मेशन के दौरान कुछ मास जो है वो कम हो गया है, कुछ मास मिसिंग है यहाँ पर। तो वो जो मिसिंग मास है ना, उसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्वेशन है, अगर हम उसको फॉलो करें, विच इज ∆mc², और जो मास डिफेक्ट है, मीन जितना मास मिसिंग है, उसको हम यहाँ पुट करें और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें, तो हमें यहाँ पर बहुत लिमिटेड से मास की वैल्यू पुट करने से काफी इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसकी वैल्यू मिलती है। और ये 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमें इसी रिलेशन में ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके और यहाँ पर मास इफेक्ट की वैल्यू पुट करने से मिलती है। तो यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन की जो एनर्जी है वो इसलिए रिलीज होती है क्योंकि दो जो स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं वो आपस में जब फॉर्मेशन के प्रोसेस में एक बिगर न्यूक्लियाई बना रहे होते हैं, उस टाइम के ऊपर उन दोनों का जो इंडिविजुअल मास होता है, वो जब एक बिगर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो कुछ मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही वो एनर्जी है जो रिलीज होके हमें मिल रही होती है। तो इसलिए जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट फैक्टर्स मेक ए फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव। तो फ्यूजन रिएक्शन में हमें पता है जी कि दो स्मॉलर न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक बिगर न्यूक्लियाई न्यूक्लियस बनाते हैं। लेट्स से हमारे पास जी बहुत सिंपल सी, जो कि हमने पहले से पढ़ी हुई है, दो प्रोटॉन्स हैं, वो मिलकर हाइड्रोजन का एक आइसोटोप बनाएंगे जी, ठीक है। हमारे पास ये भी हाइड्रोजन 1 1, ये भी हाइड्रोजन 1 1 है, ठीक है, और इन दोनों ने आपस में मिलना है। अब देखिए, इसके ऊपर प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों एक दूसरे के जब करीब लाए जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमें सबसे पहले तो इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, और ये एक मुश्किल काम है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें इनको एक हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमें समहाउ जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है फॉर ए पर्टिकुलर फ्यूजन रिएक्शन, वो है जी हमारे पास 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। अब 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस काफी हाई टेम्परेचर है, इसको अचीव करना इतना आसान नहीं है, एक लिहाज से कह लें कि हमारे लिए ये एक इम्पॉसिबल है। अच्छा, अगर ये इम्पॉसिबल है तो फिर फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करना भी एक लिहाज से हमारे लिए इम्पॉसिबल है, बिकॉज इतना हाई टेम्परेचर अचीव करवाने के बाद ही हम इसको इतनी इनफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं दोनों प्रोटॉन्स को, कि ये आपस में ये जो बैरियर है इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस का, ये खत्म हो और ये एक दूसरे में मर्ज होकर एक हैवी न्यूक्लियस को की फॉर्मेशन करें। तो ये कुछ रीजंस हैं कि हमारे पास जो, अच्छा ये तो एक सिंपल एक एक प्रोटॉन है, इससे अगर ऊपर जाएं दो हीलियम को मिक्स करना हो तो वो और मुश्किल हो जाएगा, लिथियम को मिक्स करना हो तो वो और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक हमारे पास हैं
रीजंस के जो रिपल्सिव बैरियर है इसको ओवरकम करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमें काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए विच इज़ नॉट येट पॉसिबल टू अचीव। तो यही रीजंस है हमारे पास जिनकी वजह से जो फ्यूल इंजेक्शन है वो अभी तक हम अचीव नहीं कर सके जी। ठीक है।